चाहूँगी कि मुझे अभी पिछले 3 महीने पहले थोड़ा डायबिटिक का प्री डायबिटिक शूट हुआ था, तो दीपिका भाटिया से मैंने पूछा इस बारे में कि मैं नेचुरल डाइट से इसको ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मैंने इनको अपनी रिपोर्ट वगैरह भी दिखाई और रिपोर्ट के अंदर 7.9 मेरा डायबिटिक आया। उसके बाद नेचुरल तरीके से जो मैंने उसको किया, आयोने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन मैं लाइफ में लेती रही हूँ। मैंने मॉर्निंग में उठ के वॉक करी एंड वॉक करते करते जो भी मील मैं लेती थी उसके हर आधे घंटे बाद मैं वॉक करती थी। शी सेड कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए हो, आप ऐसा कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लगा कि जो मैं डाइट ले रही हूँ अगर मैं उसको वॉक करके डाइजेस्ट करके वापस आती हूँ, फिर थोड़ा सा मील लेती हूँ और वो मेरा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ। उसके बाद मेरी एक रिपोर्ट आई, उसमें 7.9 मेरा HbA1c था लेकिन वो 6.2 आया। तो मतलब मैंने खुद के अपने डाइट से और इस पर कंट्रोल किया। तो मेरा मानना ये है लाइफ के अंदर कि स्ट्रेस फ्री जितना हम रहेंगे टोटली, चाहे वो गॉड के कनेक्ट होंगे या हम मॉर्निंग में वॉक करते करते जाएंगे, तो अगर हम एक अकेले कमरे में रहते हैं और इनफैक्ट बाहर जब निकल जाते हैं हम तो लोगों की भीड़ देखते हैं या एक नेचर से इतना प्यार करते हैं, सुबह उठ के पेड़ पौधों को देखते हैं, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है कि वापस आप आ करके घर के अंदर नॉर्मल तरीके से आप काम कर सकते हो। लेकिन जो फीमेल्स घर के अंदर रहती हैं और घर में रहते हुए वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, उनके अंदर इतना स्ट्रेस होता रहता है और वो स्ट्रेस फील करते करते ना एकदम से वो सारी जो एनर्जी है शाम को हस्बैंड के ऊपर, बच्चों के ऊपर इस तरीके से निकलती है। और जब आप बाहर रहते हो, आप खुश रहते हो, आप मेडिटेशन करते हो, जैसे कि सुनीता जी ने कहा खाना बनाते बनाते भी मैं चैंटिंग लगाती हूँ हमेशा, और उसी तरीके से मैं चैंट करते हुए खाना बनाती हूँ, तो खाने में इतनी वाइब्स आती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि शाम को हस्बैंड भी कहते हैं खाना बहुत अच्छा बना। तो हमारी जितनी एनर्जी पॉजिटिव होगी उतना ही हम आगे बच्चों को या समाज में सबको खुश रख सकते हैं। और मेन जो आज हमारा चैप्टर था कैंसर के ऊपर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस से निकलिए और अपनी डाइट को कंट्रोल में करिए। जैसा कि दीपिका भाटिया जी की डाइट है बिल्कुल नेचुरल तरीके से है और सबके लिए कॉमन किचन से ही निकलती है वो, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहीं से किचन से ही सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने अगर ठीक किया तो सभी फीमेल्स, चाहे वो कैंसर हो कोई भी बीमारी हो, हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो जितना नेचर से जुड़ेंगे, जितना मेडिटेशन करेंगे आप, उतने ही पॉजिटिव वे में ठीक रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर भावा।